थोड़ा बता दो। हीटिंग का इसका मेजर इशू है क्योंकि आफ्टर अराउंड लाइक एक या दो घंटे के बाद ही हीट अप करना आपकी शुरू कर देगी। कर दे रवि, कैसा है? ठीक है, तो देख लो अपनी 20। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। एक होनी आदि एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं आज, और थंबनेल आप लोगों ने लिया होगा। तो आज हमारे पास इंटरसेप्टर 650 टूरर और ये रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक और सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। तो चलो आज इसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आई होप आप लोगों को भी मज़ा आए। तो चलो पहले वॉक अराउंड करते हैं, उसके बाद ए टू जेड सारी डिटेल लेंगे इसकी और आपको बताऊंगा। ओके, तो चलो। ऑल राइट, तो फ्रंट से बात करो तो सिंपल सोवर एक तो यार जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मार खाती है ना वो है एक इसका लाइटिंग सेटअप। फुल्ली हेलोजन मिलता है इसमें, एलईडी वगैरह कुछ नहीं मिलता। और जितने की आती है ना, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, जो लाइट इसमें सिंपल मिलती है हेलोजन बल्ब मिलता है। आप चाहो तो आफ्टर मार्केट से चेंज करा सकते हो, पर मेरे को नहीं लगता जब हम इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बाइक पर तो उसमें हमें आफ्टर मार्केट कुछ चीज़ इंस्टॉल करनी चाहिए। कैसी लग रही है? सही लग रही है? चलो सही है, चलो बढ़िया, थैंक यू। तो ये देखो इंडिकेटर्स आप देख सकते हो, जैसे इंडिकेटर्स हमारे दोनों हेलोजन मिल जाते हैं जिनकी विजिबिलिटी ठीक है, मतलब ज़्यादा खास भी नहीं बोलूँगा मैं, पर ठीक है, नॉर्मल ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो उसका, ये इसके शॉकर मिल जाते हैं इसमें नॉर्मल। उसका टायर की बात करो तो सीएट का टायर मिलता है इसमें। सीएट के टायर की अगर साइज़ की बात करो तो 100, 90, 18 इसका सेक्शन 18 इंच का आपको इसमें रिम मिल जाता है। फोक्स वाले इसमें रिम मिलते हैं आपको, रॉयल वाले नहीं मिलते, बता दूँ मैं आपको पहले। उसके बाद इस साइड प्रोफाइल देखी जाए तो डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है आपको बाइक में। 15 लीटर का इसका टैंक मिल जाता है आपको। उसके बाद यहाँ से आप देखते हो साइड में इंटरसेप्टर 650 की बैचिंग मिल जाती है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। रेड और ब्लैक, ग्लॉसी ब्लैक का ये दोनों कॉम्बिनेशन वाला कलर है। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैचिंग। ओके, मतलब बाइक एकदम सिंपल सोवर, एक कहते हैं ना एकदम रॉ वाली बाइक वो है, मतलब एकदम सीट देखो। तो आएंगे हम आते भी लास्ट में। उसके बाद पीछे के शॉकर कुछ तरीके के, पीछे के सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको इस तरीके के। डुअल एग्जॉस्ट मिलते हैं आपको बाइक में, रियर प्रोफाइल से कुछ इस तरीके की है बाइक। पीछे की लाइट भी फुली हेलोजन एलईडी वगैरह कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल लाइट। पीछे आपको डुअल, मैंने आपको जैसे कि बताया डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। पीछे टायर का सेक्शन की बात करूँ तो टायर का सेक्शन है पीछे का, सीएट का है हमारा 130 70 18 इंच का इसमें रिम मिल जाता है। तो देखो यार कहीं ना कहीं देखो ड्रॉबैक की बात यह है कि देखो इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें मिल रहे हैं आपको नॉर्मल टायर, ट्यूबलेस टायर भी नहीं है ये, मैं सोच रहा ट्यूबलेस टायर है, ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, नॉर्मल टायर है। इसके फॉक्स वाले रिम है। ओके, यहाँ पे भी इंटरसेप्टर 650 की बैचिंग मिल जाती है आपको। टैंक मैंने आपको बता दिया 15 लीटर का मिलता है। इंजन की बात करें तो मैं इसमें 647 सीसी का इसमें इंजन मिलता है आप लोगों को। ओके, अब आते हैं यहाँ पे हैंडल बार कुछ इस तरीके के हैं इसमें। ये बटन्स हो गए हमारे नॉर्मल, ये किल स्विच वही ओल्ड स्कूल वाले, ये मिरर्स हो गए, मिरर्स तो चलो ये वो हैं जैसे हमारे उसमें आते हैं मीटियोर वगैरह में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ तरीके का, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगता है थोड़ा देखने में तगड़ा, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, क्या ही बात है। तो जब ये ऐसे करके अब खुलता है ना, जैसे थार में नहीं होता वो वाला, मतलब एक अलग ही माहौल बन जाता है देख के। यहाँ पे आपका आरपीएम वाला हो गया, ये हमारा हो गया स्पीड का, फिर ये फ्यूल का हो गया, ये हमारी कितने किलोमीटर चल रही ट्रिप बताएगी, ये एबीएस का हो गया साइन, ये चेक इंजन लाइट हो गई, ये हमारी बैटरी हो गई, न्यूट्रल वगैरह सब कुछ। तो जो एक नॉर्मल से फीचर्स होते हैं वो मिलते हैं आपको इसमें, ज़्यादा नहीं। ओके, ये फ़ोन माउंट भाई ने आफ्टर मार्केट लगा रखा है। एवरेज की बात करो तो एवरेज आराम से दे देती है वो, ये 20-25 का, ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ही मत। इंजन में फोर स्ट्रोक इंजन मिलता है आपको। ओके, इनलाइन ट्विन सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन मिलता है आपको इसमें, जो 647 सीसी का है। ओके, और अगर मैक्स पावर की बात करूँ, और मैक्स पावर की बात करो तो 47 बीएचपी की मैक्स पावर मिल जाती है, और मैक्स टॉर्क मिलता है आपको 53 एनएम का। तो बाइक बढ़िया, एक बार ओनर से ही बात करते हैं। ये हमारे ओनर, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नाम बता दो अपना। मैं हूँ यथार्थ शर्मा, मैं इंटरसेप्टर 650 का ओनर हूँ। ओके, अब पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि इंटरसेप्टर 650 ही क्यों? इंटरसेप्टर 650 ही क्यों? मैं कॉन्टिनेंटल GT 650 के लिए भी जा रहा था, बट उसमें थोड़ा कमिटेड पोजीशन था, एंड वो कैफे रेसर है। मेरे दो प्लान है मेन आगे। सबसे पहले कि मैं टूरिंग के लिए जाऊंगा, एंड डेली यूज के लिए मेरा ये पड़ेगी। Okay. बट अगर आप डेली यूज के लिए जा रहे हो तो आपकी कॉन्टिनेंटल GT 650 भी काफी ज्यादा अच्छी है, बट अगर आप टूरिंग के लिए जा रहे हो तो GT 650 आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, नहीं। ओके, दूसरा एवरेज क्या दे रही है बाइक? वैसे मैं एक बार पहले क्लियर कर दूं, जो ये बाइक लेते हैं वो एवरेज नहीं देखते। हाँ, नहीं देखते वो, मुझे पता है। पर फिर भी मैं, क्योंकि लोगों के ज्यादा मन में इच्छा रहती है ना जानने की,
तो फिर भी आप बता दो कितना एवरेज है। सिटी में इसका है 22 किलोमीटर पर लीटर एंड हाईवे पे है इसका 30। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी, क्या कॉस्ट करती है ऑन रोड? इसका मॉडिफिकेशन के साथ जो ये है ओके लगा रखा है, तो इसके साथ मेरे को 3,42,000 की मिली थी। 342 की मिली आपको ऑन रोड? हाँ। ओके, अब आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें पूरा हैलोजन सेटअप आता है, एक तो हाँ। बुरा लगता है? नहीं, हैलोजन का विजिबिलिटी ज्यादा अच्छा है एलईडी से, एलईडी से हाँ। ये आपका मानना है? हाँ। अच्छा चलो ठीक है, नई बात जानने को मिली है, नोट करना ये बात, ठीक है। अब इसमें ट्यूबलेस टायर्स नहीं आते? नहीं, उसका तो कुछ ना कुछ तो बुरा लगता होगा, है क्योंकि उसका ड्रॉबैक तो होता है, क्योंकि कहीं अगर बाहर जाते हो आप और बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे पंचर वाले नहीं होते, तो वहाँ पे तो आपको फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम ना, तो ये है आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ज्यादा फीचर्स नहीं है जैसे कि मैंने बताया, नॉर्मल फीचर जो होते हैं वो है, वो तो है, वो तो है, तो उससे भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको। 15 लीटर का टैंक है तो कहीं लंबे टूर में जाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली, ठीक है। और जैसे बाइक भगाने में कैसी है, तो आप स्पीड बता दो, और थोड़ा मतलब सिटी में अगर आप चला रहे हो आराम आराम से तो हीटिंग का भी थोड़ा बता दो। हीटिंग का इसका मेजर इशू है, क्योंकि आफ्टर अराउंड लाइक 1 या 2 घंटे के बाद ही हीट अप करना आपकी शुरू कर देगी, कर देती है, कर देगी। ओके, एंड अगर आप इससे फॉर एग्जांपल अगर आप इसका 0 to 100 इसका 7 सेकंड्स के आसपास है, और इसकी टॉप स्पीड जाती है 175 अभी 175 जा रही है, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना ही है, एंड और क्या? ओके, अब एक और चीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आप इसे 170 भगाओगे, हाँ, पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा और जो भी सारे देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स की, हमें भगाना चाहिए पर जब हमें हाईवे मिले उस तरीके का, ठीक है। ओके, दूसरी बात ये कि जब जितनी स्पीड ये पकड़ रही है उस हिसाब से ब्रेकिंग है बाइक की? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी ब्रेकिंग है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। हाँ। ओके, मतलब कहीं ऐसा नहीं लगता कि कोई लैक वगैरह नहीं है, तो मतलब खुश हो आप अपनी बाइक से ना? अगर कोई लेना चाह रहा है बाइक तो आप बोलना चाहोगे कि बेशक ले सकते हैं? इसमें आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा ये। अगर आपको शॉर्ट डेली राइड्स के लिए चाहिए तो कॉन्टिनेंटल जीटी 650 के लिए जाइए। अगर आपको हाईवे टूर्स और डेली राइडिंग दोनों का मिक्स चाहिए और एक प्रॉपर ऑफ रोडर की तरह भी चाहिए जिसको आप ले लेते हैं आराम से लेके जा सकते हो, उसके लिए इंटरसेप्टर आपके लिए बेस्ट टूरर है इस प्राइस सेगमेंट, इस प्राइस सेगमेंट। और सिटिंग कम्फर्ट? सिटिंग कम्फर्ट इसका उतना अच्छा नहीं है अभी, इसकी अगर आपको वो लगवानी पड़ेगी, कुशनिंग अच्छी नहीं है, लगवानी पड़ेगी इसकी। ओके चलो ठीक है, थैंक यू यार। ओके सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना भी और अपनी फैमिली वालों का भी। और यहाँ पे एक और भाई है, रवि, कैसा है? ठीक है, तो देख लो अपनी बीस वगैरह सारी खड़ी हो रही है, एक नया भाई जुड़ा हमारे साथ आज, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली वालों का, बाय।